हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आई हूँ कटहल बनाने की बिल्कुल यूनिक रेसिपी। ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये बिल्कुल अलग तरीके से बनने वाले कटहल की रेसिपी है और इसके लिए ना तो हमें कटहल को उबालने की ज़रूरत है, ना ही हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ हम ये कटहल की सब्जी तैयार करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1/2 kg कटहल लिया है और इसको थोड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और यहाँ पर मैंने 4 प्याज लिए हैं, उसको बारीक पतले पतले स्लाइस में काट लिया है। और यहाँ पे मैं लूँगी थोड़ी सी अदरक है और थोड़े से लहसुन लिए मैंने और हरी मिर्च ली है। आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, जितना आपको तीखा खाना है। अदरक की मात्रा लहसुन से ज़्यादा होनी चाहिए, यह आप ध्यान रखिएगा। तो एक कढ़ाई ले लें आप, उसमें 1/2 कप तेल डालें, सरसों का तेल ही डालें। और अब इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच देसी घी। जी हाँ, देसी घी का ही आप इस्तेमाल करेंगे तभी ये कटहल की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हींग। हींग की मात्रा भी थोड़ी हमें ज़्यादा रखनी है। अब कुछ खड़े गरम मसाले हम लेंगे, जिसमें कुछ सूखी लाल मिर्च है, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, थोड़े से मैंने यहाँ पे काली मिर्च लिए हैं और 2-3 टुकड़े दालचीनी के। बस इतना ही हमें डालना है। और इससे जैसे हल्की थोड़ी खुशबू आने लगे तब हम इसमें ये कटहल को ऐड कर देंगे। ये जो कटहल है जिसमें देसी घी, अदरक और हींग का जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। जैसे जैसे आप कटहल को भूनते जाएंगे इसकी खुशबू इतनी अच्छी आएगी कि आपके अगल बगल जो भी रहते हैं सबको पता चल जाएगा कि आप कुछ तो बना रहे हो बहुत टेस्टी सा। तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो तेज़ आंच पे मैंने कटहल को 2 से 3 मिनट तक भुना है। अब इसमें डाल देंगे हम प्याज। और अभी गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है और हाई फ्लेम पे ही इसे भी हमें थोड़ा सा भून लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट ही भूने, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब क्या करेंगे हम कि गैस का फ्लेम मीडियम रख के इसे हम ढक के थोड़ी देर पकने देंगे, तकरीबन 7-8 मिनट तक। और जब तक हमारा कटहल पक रहा है तब तक हम ये जो लहसुन अदरक और हरी मिर्च लिया था इसे हम दरदरा पीस लेंगे, या आप इमाम दस्ते में भी इसे कूट सकते हैं। इसका पेस्ट हमें नहीं बनाना है। तो ये मसाला मैंने तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं कटहल को चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, तो ये प्याज भी हमारा कैरमलाइज हो रहा है और कटहल भी हमारा थोड़ा थोड़ा पक चुका है। जिसे मैं एक बार अच्छे से चला लेती हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाला तैयार किया था, अब हम उसमें डाल देंगे। तो उसको हम डाल लेते हैं, ये देखिए 3-4 चम्मच के बराबर होगा ये। तो इसे मैं डाल देती हूँ। और ये जो कटहल की सब्ज़ी है ना, इसमें हम टमाटर का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। आप धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालें। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है हल्दी, और मैंने लिया है यहाँ पे देगी मिर्च। मेरे पास कश्मीरी मिर्च अभी नहीं थी तो मैंने वो नहीं डाला। आप कश्मीरी मिर्च पाउडर ही डालें, उससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और इसे हम एक बार अच्छे से भून लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें भूनते रहना है। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि कटहल हमारा अच्छे से पक नहीं जाता। तो ये देखिए, तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं, मैं इसे बीच बीच में चला रही हूँ और कटहल हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इस स्टेज पे हमें नमक ऐड करना है अपने स्वाद के अनुसार। और साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर लिया है और 1/2 ही चम्मच मैंने यहाँ पे सौंफ का पाउडर लिया है। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये जो कटहल की सब्जी की जो रेसिपी है ना, इसमें बहुत कम मसाले इस्तेमाल होते हैं और उसमें ये बहुत ही सब्जी टेस्टी बनके तैयार होती है। तो अब मसाले मेरे थोड़े नीचे जल ना जाए, इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसमें बहुत थोड़ा सा पानी एक बार डाल लूँगी। बहुत थोड़ा सा डालें, अगर आपको तरी वाली सब्जी चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ तो मैं इसमें बहुत थोड़े से पानी का इस्तेमाल करूँगी। और इसे मैं 5 मिनट तक और अच्छे से पका लेती हूँ। और लास्ट में हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, खूब सारी आप हरा धनिया डालें और उसे डाल के आप 1-2 मिनट चला लें। और ये हमारी कटहल की सूखी सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो बहुत ही कम तेल मसालों में बनी हुई ये सूखी कटहल की सब्जी बहुत ही अमेजिंग होती है, बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।